हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी हम मार्केट से बनाना लेकर आते हैं तो एक दो दिन तो बनाना सब बहुत अच्छे से मज़े से खाते हैं, बट 2 दिन के बाद ना बनाना पे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। बनाना का जो ऊपर का कवर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, यानी कि बनाना जो है काफ़ी ज़्यादा पक जाता है, तो उसे कोई भी खाना पसंद नहीं करता। लास्ट में हमें उसे थ्रो करना पड़ता है। बट ना उस बचे हुए बनाना से ना मैंने बहुत अच्छे से ना बढ़िया सा एक टी टाइम केक बनाया है, जो बना है बिना अंडे के, बिना दही के, बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट केक बना है कि आपके घर में फैमिली मेंबर्स ना बिल्कुल खुश होकर इस मजे से इस केक को खाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज का एगलेस बनाना केक। बनाना केक बनाने के लिए यहाँ पर एक बोल में हम ले रहे हैं 2 मीडियम साइज के ओवरराइप बनाना, जिसे मैंने ना छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से तोड़कर बोल में ऐड कर दिया है। और अब ना इसे एक विस्कर की हेल्प से ना अच्छे से मैश कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ओवरराइप यानी कि पके हुए बनाना का यूज़ किया, जो ज़्यादा पक जाते हैं ना, जिन्हें घर में कोई नहीं खाता और फिर लास्ट में हमें उन्हें थ्रो करना होता है। तो बस इसी तरीके के बनाना का जब हम इस केक में यूज़ करते हैं तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ध्यान रखें कि जब भी केक बनाएं तो इसी टाइप के केलों का केक में यूज़ करें। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अच्छे से मैश हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप ऑयल। तो ऑयल हमें लेना है यहाँ पर बिना फ्लेवर वाला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का जो ऑयल होता है वो नहीं लेना है। साथ ही इसमें हम ऐड कर रहे हैं 3/4 कप ब्राउन शुगर। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। अगर आपके पास वनीला एक्सट्रैक्ट नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस सारी चीज़ों को ना अच्छे से हमें मिक्स करके ले लेना है, जब तक कि ये चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होती, बस एक ही डायरेक्शन में हमें विस्क को अच्छे से चलाते जाना है। देखिए कितना टेस्टी बनता है कि ना बच्चों का बिल्कुल एकदम फेवरेट हो जाता है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप ब्राउन शुगर की जगह पे वाइट शुगर पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इस बोल के ऊपर हम रखेंगे इस तरीके से छलनी, और छलनी में हम ऐड करेंगे फ्लार। तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, 2 टाइप के फ्लार यूज़ किए हैं। एक मैंने लिया है यहाँ पर व्हीट फ्लार, और दूसरा आप देख सकते हैं वाइट वाला ऑल पर्पज फ्लार यानी कि मैदा। तो दोनों की क्वांटिटी जो है यहाँ पर मैंने इक्वल ली है, यानी कि 3/4 कप मैंने यहाँ पर लिया है मैदा, और साथ ही 3/4 कप मैंने लिया है यहाँ पर गेहूं का आटा है। और साथ ही अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून का मेजरमेंट लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 बार इसे ऐड किया है। साथ ही इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो दोनों की क्वांटिटी जो है इक्वल रखनी है। इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर, और इससे ना केक का जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। और अब क्या करेंगे, हम इसमें डाल देते हैं बिल्कुल थोड़ा सा नमक। तो नमक ज़रूर डालें केक में, इससे ना केक का जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाता है। और बस सारी चीज़ों को ना अच्छे से सीव करके ले लेना है। तो जितने भी जो ड्राई इंग्रेडिएंट हम केक में यूज़ करते हैं उन्हें हर टाइम जो है आपको सीव करके लेना है, जिससे क्या होगा, आपका जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट बेक होगा, राइज अच्छे से होगा। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, इससे ना केक का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और इसे भी सीव करने के बाद एक स्पैचुला की हेल्प से इस बैटर को फोल्ड करके ले लेना है, और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे फोल्ड करेंगे, बहुत ही बढ़िया जो आपका केक अच्छे से राइज होगा। तो इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, और इसका बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए रूम टेम्परेचर वाला मिल्क। तो बस जो मिल्क है वो हमें बैचेस में करके डालना है, और एक इसका जो है थोड़ा सा ना थिक कंसिस्टेंसी का हमें इसका बैटर बनाना है। तो जैसे जो नॉर्मल जो दूसरे केक्स होते हैं उनका हम बैटर बनाते हैं थोड़ी सी पोरिंग कंसिस्टेंसी का, लेकिन जब इस टाइप के फ्रूट केक्स हम बनाते हैं या फिर कोई वेजिटेबल का हम जब यूज़ करते हैं केक में, तो फिर उसका जो बैटर है वो थोड़ा सा थिक बनता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत इजीली एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इस बैटर केक के बैटर को बना के तैयार कर लेना है। तो टोटल मुझे यहाँ पर 1/4 कप मिल्क लगा था इस बैटर को बनाने के लिए। और इसके पहले भी मैंने बनाना से बहुत टाइप के केक बनाए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करें। तो नीचे आप ना डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी जाके चेक कर सकते हैं, और उन्हें भी आप ट्राई कर सकते हैं। पहले मैंने आपके साथ चॉकलेट बनाना केक बनाया था, और इसके बाद मैंने फिर गेहूं के आटे से पूरा आटे का यूज़ करके भी केक को बनाया। तो आप उनमें से भी कोई रेसिपी ट्राई करें, आई होप आपको पसंद आएगी। अब यहाँ पर बैटर हमारा बन गया है, फिर मैंने लिए हैं यहाँ पर बारीक कटे हुए अखरोट यानी कि वॉलनट, और बस थोड़ा सा ना उसे आटे से डस्ट करके ले लेना है। तो मतलब इस तरीके से ना कोट करके जब हम इसमें ऐड करेंगे
तो आपका जो ये अखरोट है वो बिल्कुल इवनली केक में स्प्रेड होगा। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दी थोड़ी सी डार्क कंपाउंड चॉकलेट की शेविंग, और बस इसे हल्के हाथों से हमें फोल्ड कर लेना है। तो ध्यान रखें चॉकलेट डालने के बाद ओवर मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो यह चॉकलेट यहीं पर सारा मेल्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा मिक्स करने के बाद तैयार किए हुए बैटर को हम अपने बेकिंग के कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल शेप का कंटेनर आज लिया है और इसे बेकिंग पेपर से अलाइन कर लिया है। बटर, घी, ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, बस यहाँ पर केक के बैटर को इवनली स्प्रेड कर देंगे। और देख सकते हैं कि बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा थिक है। तो थिक कंसिस्टेंसी होने के कारण जो है बेकिंग का जो टाइम है यहाँ पर वो भी बढ़ जाएगा। तो जिस भी कंटेनर में, जिस भी बर्तन में हमें केक को बेक करना है उसे हमें प्रीहीट करना ज़रूरी है। तो मैंने गैस पर जो है एक बड़े से पैन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए छोड़ दिया था, और अब इसकी ऊपर से सरफेस क्लीन करने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें अखरोट के दाने और डाल रही हूँ, और इसे 2 से 3 बार अच्छे से टैप कर लें जिससे एयर पॉकेट्स इसके निकल जाए। और इसके बाद ना हम प्री हीटेड पैन में इसे प्लेस कर देते हैं और कवर करके लो फ्लेम पर ना 40 to 45 मिनट के लिए इसे बेक होने देंगे। बीच में हमें इसे बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। अब यहाँ पर 45 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि केक हमारा कितने अच्छे से फूल गया है। बहुत अच्छे से केक हमारा राइज हुआ है। बस इसे चेक करने के लिए एक टूथपिक को इंसर्ट करके देखेंगे। अगर टूथपिक आपकी क्लीन आती है तो आपका केक जो है बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। इस टाइम पे फ्लेम को ऑफ कर देना है और बेकिंग कंटेनर को जो है बाहर निकाल लेना है। तो अभी जो पैन है काफ़ी गर्म है, तो बिल्कुल ध्यान से हम कंटेनर को बाहर निकालेंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से ना ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल आने दीजिए, ठंडा होने दीजिए, उसके बाद डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 घंटे के बाद का ये बता रही हूँ। बिल्कुल एकदम अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैंने इसे डीमोल्ड किया, और इसे कट करने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जो है इसका टेक्स्चर आया है। बिल्कुल सॉफ्ट, मॉइस्ट और एकदम फ्लफी सा ये केक बन के तैयार हुआ है। कलर भी इसका काफ़ी अच्छा आया है। देखिए बिल्कुल कितना सॉफ्ट, जालीदार और बिल्कुल ना मुंह में घुल जाने वाला ये बनाना केक बिल्कुल सिर्फ 2 बनाना से बन के तैयार हो गया है। और आप भी ना इस तरीके से घर में जब बनाना हो और वो ज़्यादा पक गए हो, उन्हें कोई खाए ना, तो इस तरीके से आप बनाना को यूज़ करके एक बढ़िया सा टी टाइम केक बना सकते हैं। तो बस आप ना इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।